8 नवंबर 2016 की वो रात जब भारत सरकार ने 500 और 1000 रुपए के सभी नोटों का चलन बंद कर दिया था। ये वो दिन था जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका दिया था। 8 नवंबर 2016 दिन था मंगलवार और समय था रात के 8 बजे। ये वो घड़ी जब मीडिया में अचानक एक खबर आई थी कि थोड़ी देर में पीएम मोदी का संबोधन होना है। हर किसी ने यही अनुमान लगाया कि पीएम मोदी हमेशा की तरह भाषण देंगे, लेकिन उस दिन पीएम मोदी ने भाषण दिया जो युद्ध से भी बड़ा था। पीएम मोदी ने अपना संबोधन देश की अर्थव्यवस्था से शुरू किया और भाषण के ठीक 20 मिनट बाद पीएम मोदी ने जो ऐलान किया उसे सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 500 और 1000 रुपए के पुरानी नोटों के जरिए लेन देन की व्यवस्था आज मध्यरात्रि से उपलब्ध नहीं होगी। पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए नोटबंदी का ऐलान कर दिया था। आधी रात से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए। ये वो ऐलान था जिसने आम आदमी के साथ साथ रईस जादों और यहाँ तक कि पूरी सियासत को हिला डाला था। क्या गरीब क्या अमीर, एक समय के लिए सब बराबर हो गए थे। उस रात के बाद से जनता बैंक और एटीएम पर दिखाई देने लगी और सरकार 500 के बदले 500 के नए नोट लाई और 1000 के नोट की जगह गुलाबी रंग का 2000 का नोट चलन में आया। सरकार के इस नोटबंदी की जानकारी केवल कुछ ही लोगों को थी, जिसमें मुख्य सचिव नपेंद्र मिश्रा, पूर्व और वर्तमान आरबीआई गवर्नर, वित्त सचिव अशोक लवासा, आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास और वित्त मंत्री अरुण जेटली। इस दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली का योगदान बेहद सराहनीय रहा। उन्होंने नोटबंदी के दौरान पैदा हुई स्थिति को बैंकों के साथ समन्वय करके सुलझाया और नोटबंदी को सफल बनाया। लेकिन आज यानी शनिवार को दिल्ली के एम्स अस्पताल में अरुण जेटली का निधन हो गया। अरुण जेटली 9 अगस्त से दिल्ली के एम्स के अस्पताल में भर्ती थे। उनका जाना बीजेपी के लिए एक बड़ी क्षति है। चलिए आपको अरुण जेटली के वो 10 कदम बताते हैं जो उन्होंने देश के हित में लिए। जीएसटी लागू कराया, जनधन योजना सफल बनाई, रेल आम बजट एक किया, चुनाव बॉन्ड की शुरुआत की, 10% की जगह 5% टैक्स स्लैब किया, काले धन के खिलाफ सख्ती की, नोटबंदी लागू कराने में अहम भूमिका निभाई, देश में कारोबार आसान कराया, सरकारी बैंकों का विलय किया, लगातार 5 बजट पेश किए। स्पेशल डेस्क से विपुल माहेश्वरी की रिपोर्ट, नवतेज टीवी।